या बीजेपी का राज रहा हो, किसी भी मंत्री किसी भी विधायक के विरुद्ध शिकायतें नहीं आई। लेकिन मैं चूंकि आपने विषय कहा इसीलिए कह रहा हूं, बाकी मेरे कहने का मन नहीं था। जेजेएम की शिकायतें किसके कार्यकाल में सबसे ज्यादा हुई, पाइप के घोटाला किसके राज्य में सबसे ज्यादा हुए? नहीं तो कैसे होती? हाँ सही बात है, हमारे यहाँ जेजेएम था ही नहीं, कैसे हुआ? ये भ्रष्टाचार तो आपके भाग में आया हुआ है, अब इसका मैं क्या कर सकता हूँ? हमारे भाग में भ्रष्टाचार है नहीं। दूसरा, ये तो हमारे भाग में आया था, पब्लिक अपने जो आरपीसी के मेंबर साहब जेल गए वो किसके समय जब हुआ? पेपर लीक हुए वो किसके समय में हुए? अरे आज तक आरपीसी का एक सदस्य जिसके द्वारा मुकर किया गया है वो अगर जेल चला जावे तो गंभीर विषय तो विचार तो करना ही चाहिए। आप बोलिए उसको मानो नहीं मानो ये आपकी मर्जी, तो विचार तो करना ही चाहिए। आप एक बात और बताओ, आपके कार्यकाल के दौरान हमारे आपके मंत्रियों का फोन टेप हो मजा नहीं करे, और बाद में जिस व्यक्ति वो जो जिसने फोन टेप किया वो खुले रूप से गए कि माननीय मुख्यमंत्री से कहने से मैंने फोन टेप किए थे, तो क्या ये लोकायुक्त में शिकायत है? अब आपसे ही कह रहे हैं, अगर प्रकरण दर्ज हो तो बताओ आप जिसका तब इस सदन में इस समय मौजूद नहीं, लोकायुक्त में केस नहीं, तो फिर उस चीज को क्यों आप यही में आपके मुंह से ही कहलाना चाहता था। एक मिनट महोदय, किसी आपके मुंह से ही कहलाना चाहता था कि लोकायुक्त की बात लोकायुक्त, अब आप बोल गए नहीं वो तो नहीं कहना है, तो फिर आप क्यों कह रहे थे इतनी देर वहां ये हो गया वहां ये हो गया वहां ये हो गया, तब आप क्यों बोल रहे थे? अभी कहा ना आपने, अभी तो सुनो लोकायुक्त क्यों, अभी तो आपने और सुना। अब आप ये बता दो कि ये जो बेल पे हैं उनका क्या कहोगे, हेराल्ड केस का क्या कहोगे? ये मैं नहीं कहूंगा ना, आप नहीं करा रहे हो ना, ठेट वहां से शुरू किया गई तो लंगोटी लाके भागे थे और प्रायोजित अरुण द्वारा क्या कहा, ये तो अन्ना हजारे का आंदोलन प्रायोजित, इन्होंने एलिगेशन लगाया। राजस्थान में हेराल्ड का क्या इशू है? अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में इस रिपोर्ट में हेराल्ड का क्या इशू है? कोई है इशू हेराल्ड का? भ्रष्टाचार वाला विषय बता रहे हैं, हेराल्ड का क्या इशू है? 23 की रिपोर्ट का क्या इशू है? आपको समझ में आएगी, सुनोगे तो पता लगेगा ना, बाकी ने भी जो बोला उसको चेक कर लेते हैं। आप पटरी से उतर रहे हैं, मैं नहीं अच्छा बोला, बोलते बोलते पटरी से उतर गए आप, तो आप सुधारो, आप मंत्री आप सुधारो, तो तब क्यों नहीं बोले? जब आप क्यों नहीं बोले विराजो? वो कह रहा जैन मुनि हत्या में गड़े, तब आप कहां थे मंत्री जी? वो कह आशय वो, तब आप कहां थे मंत्री जी? माननीय मंत्री जी, मेरे यहां ऐसे हो रहा, तब आप कहां थे माननीय मंत्री जी? बैठ जाइए माननीय मंत्री जी, सीधा नहीं विराजो, विराजो विराजो, आप संसदीय मंत्री हैं, एक दूसरे से सीधा संवाद नहीं, पहली बार के सदस्य हैं, सीधा संवाद नहीं, आप तो कम से आपसे तो मेरा हो गया। उदय माननीय नेता प्रतिपक्ष ने एक भी शब्द खड़ गया, की हत्या कर दी उसको, मदन दिलावर को क्यों नहीं गिरफ्तार किया, उसके उस संदर्भ में सारी बात की हत्या कर दी, सब लोगों ने बोल दिया मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कराइए संजय सर्कल थाने में। ये कोई बात होती क्या? मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी की हत्या कर दी है और कांग्रेस के राज में की थी, ऐसा रिपोर्ट दर्ज है, ये तो कांग्रेस ने अभी तक मुझे क्यों नहीं किया? अध्यक्ष जी ये शोभा देता है मंत्री को, हाँ मैंने समझ तक की थी, शोभा देता है, रिपोर्ट दर्ज क्यों करवाई मेरे खिलाफ जी? सीधा नहीं, मेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज क्यों करवाई? बैठिए, मेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई ये खुद जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने क्या कर दी, मेरे को गिरफ्तार नहीं किया माननीय मंत्री जी, खुद सदन को गुमराह कर रहे हैं विराजो। देखो उदय, एक थोड़ा सा, एक थोड़ा सा खड़ा हो गया हूं, यह आरोप प्रत्यारोपों का नहीं है, ये अपने प्रतिवेदन पर चर्चा है, उस प्रतिवेदन में जो जो उल्लेखित है उसको पहले किसी प्रकार से आप रख सकते हो, या इन्होंने कुछ कहा हो इनके सदस्यों में या आपके सदस्यों में भाषण में उसका प्रत्युत्तर दिया जा सकता है, लेकिन उससे अधिक नहीं कि पुराना क्या किसने किया, इसके लिए अलग से एक दिन बहस करवाएंगे। अध्यक्ष महोदय,
एक मिनट, इमरजेंसी के क्लास में इमरजेंसी के बयानों में माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट भाई सुनना, माननीय अध्यक्ष महोदय, क्लास में एक छात्र बड़ा उदंड था, नहीं होगी आपके भी होगी माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य